क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवरेंड आशीष मैसी है जी। और हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये हमारी एक बहुत प्राचीन जगह है, जो आप देख सकते हैं ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, जो कि बहुत समय पहले यहाँ पर जो लोग एक्सपायर हुए थे, अंग्रेज लोग रोहिला की लड़ाई में, उस वक्त उन लोगों को यहाँ पर दफन किया गया था। और समय समय पर यहाँ पर जो चर्च हैं वो यहाँ पर देखरेख करते रहे हैं, लेकिन अभी ये जगह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री की गई है और कुछ स्थान जो है मुस्लिम लोगों के पास भी है इसका, तो हम इसको जो है वापस से चाहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अधिकार में दिया जाए। अच्छा, जिस जगह का नाम क्या है और कौन सा जिला पड़ता है? ये फतेहगंज है, फतेहगंज पश्चिमी, और जिला बरेली है। और पहले इससे पहले कभी किसी ने देखभाल की है? हाँ, इससे पहले भी फ्रीविल बैप्टिस्ट चर्च लगातार इसकी देखरेख करता रहा है, पुताई और बोर्ड लगाना सारे काम अपने यहाँ करता रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से अभी यहाँ पर जो है नहीं आ पाए हैं। और लगभग आप क्या मांग करते हैं इसके कब्रिस्तान की? मांग करते हैं प्रशासन से कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तमाम लोग जो शहीद हुए हैं उनकी यहाँ पर कब्रें हैं और ये क्रिश्चियन सेमेट्री है, तो ये हमारे हक में दी जाए और हम लोग इसकी वापस से देखरेख कर सकें। तो हम मांग कर रहे हैं कि फिर से ये, हाँ जी, कि हमारे क्रिश्चियन लोगों को ये फिर से दिया जाए, क्योंकि यदि हम बरेली की बात करें, बरेली में आप लोगों का कहना काफी कब्रिस्तान भर चुके हैं, तो उस विषय के लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, हमने इस विषय में जो है डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, अधिकारियों को बताया है इसके विषय में कि हमारे पास कोई और दूसरा कब्रिस्तान अब नहीं रहा है जिसमें पर्याप्त जगह हो, तो इसलिए हम बार बार इस बात को मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, साथ ही हमारे जो कब्रिस्तान यहाँ पर है इसे भी हमारे संरक्षण में दिया जाए ताकि हम इसमें अपने जो है कार्य कर सकें।